नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज हम बताएंगे कि आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपकी पीड़ा ईश्वर से जब आप पूजन करते हैं, उनसे एक निवेदन करते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं, तो ये अरदास कैसे पूरी हो। बहुत सारे हमारे दर्शक कहते हैं, गुरु जी पूजा करते करते थक गए हैं, एक कलयुग है, भगवान बेईमानों का सुन रहा है, जिसका ईमान नहीं है सही उसका सुन रहा है, हम लोग पूजा पाठ वाले आदमी बड़े कष्ट में जी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है, ध्यान रखो, वो चाहे हम हो। इस पृथ्वी पर अगर ईश्वर अवतार लेके आएंगे तो उनको भी जो ये प्रारब्ध और यहाँ का जो सांसारिक भोग, जस अपजस हानि लाभ, वो कर्मानुसार भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज हम एक चीज़ बताते हैं, इसको एक बार आजमाना। हमको ज़्यादा इस विषय पे सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं। आप जब करेंगे तो कहेंगे कि गुरु जी हमारे धर्म में इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतना प्रभाव देने वाली, आज तक किसी ने बताया नहीं, आखिर इस राज को क्यों छुपाया गया। और वह क्रिया हमारे आपके सामने प्रतिदिन होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शक जितने हैं, हमसे जो बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। माताओं, जो हमारी माताएं बहनें, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और बजरंग बली की जयकार के साथ, एक उद्घोष के साथ, मैं ये आप सभी लोगों के बीच भारत की प्राचीन विद्या समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। आप लोगों ने देखा होगा, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मठ हैं, आखिर 3:30 बजे से ही क्यों वहाँ पर पूजन, वंदन, आरती का कार्यक्रम चालू हो जाता है। आप लोग 6 बजे सो के उठे, नहाए धोए, 7 बजे फिर बैठते हो हनुमान जी को, बजरंग बली को मंदिर में पूजा पाठ करने। समय सारणी अर्थात चौघड़िया, ज्योतिष का ज्ञान होगा तो मालूम होगा चौघड़िया क्या, 24 घंटों की घड़ी को चौघड़िया कहते हैं। चौघड़िया में जब इसकी चाल चलती है, 24 जो हमारी पृथ्वी घूमती है, सभी ग्रहों का उसके अंदर बारी बारी से नज़र पड़ती है। चौघड़िया में हानि लाभ, जस अपजस, काल बेला, गण वास इत्यादि का योग रहता है। तो चौघड़िया काल में विशेष आपकी बातें अगर ईश्वर तक पहुंचानी है तो आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3:20 पर उठकर आपको 3:30 बजे तक नहा वहा के एकदम फ्रेश हो जाओ। मंदिर रात को ही बढ़िया से साफ कर दो, या तो आप जल्दी उठकर मंदिर वंदिर साफ वाफ करके बढ़िया से सजा के अपने घर में ही एक कटोरे में गंगा जल रखो, कुश, कुश होता है ना, कुश की घास, तुलसी पत्र, आप पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन के बाद अब बारी आई आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने की। ध्यान से सुनना, ये तंत्र मंत्र जादू टोने वाला वो चैनल नहीं है, समझ रहे हैं, कि जाओ घर में गाना लगा दो और डीजे डांस करो, डांस करते हुए ये शब्द बोल दो, सब ईश्वर आएंगे, प्रकट होंगे, तुम्हारे साथ साथ चल देंगे। मूर्खों वाला ज्ञान नहीं है, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल करना। गंगा जल जब आप रखेंगे और पंचोपचार पूजन के पश्चात वो कुसा आप गंगा जल से ईश्वर पर छिड़केंगे, छिड़कने के साथ उसमें से इतना सा कुश तोड़ना, जीभ के नीचे रखना। कुश बहुत धारदार होता तो बड़े आस्ते से रखना, बहुत रगड़ के मत रखना, अन्यथा जिभ्या कट जाएगी। जिभ्या के नीचे आपको कुसा की थोड़ी सी पत्ती रखना है। उसके बाद आप आज्ञा चक्र अपना और सामने जो ईश्वर हो, जिनके जिनसे जिनको आप पूजते हो, जिनको आप मानते हो, आपके इष्ट हो, देवी हो, देवता हो, उनकी आँखों में देखना, उनके आज्ञा चक्र पॉइंट पर देखना, उनका 5 बार नाम लेते हुए आपकी जो पीड़ा हो पूरी एनर्जी के साथ, पूरे भाव के साथ। ये कुसा बड़ी काम की चीज़ है, जो विद्वान हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा आखिर कुश का आसन क्यों बिछाते हैं साधक लोग। कुश का योगदान क्या है, हमारी वाइब्रेशन को, हमारे मंत्रों को
अर्थ में जो हमारा जो मंत्र होता है, हम लोग जाप करते हैं, बैठ जाते हैं आसन पे, सारा अर्थ में पृथ्वी में चला जाता है। हमारे पास क्या रहता है? कुशासन के आप बारे में पढ़े तो पता चलेगा कुशासन से क्या लाभ है, क्या है, किस लिए प्रयोग किया जाता, तो आपको पता चलेगा। लेकिन जिह्वा के नीचे रखने से आपके बोले हुए शब्द, आपके की गई याचना, उस समय उस काल चौघड़िया में, यानी डेढ़ घंटे की जो घड़ी रहती है 3:30 से 4:30 के बीच में, वो उस ब्रह्म मंडल में, उस देवलोक में आपकी बातें, ये कुशा जब रखते हैं, कुश के माध्यम से शब्द बोला जाता है, तो वो शब्द डिफरेंट शब्द से अलग रहते हैं, शुद्ध पवित्र रहते हैं और वहाँ तक पहुँचती है आपकी बात। ऐसा 3-4 दिन 5 दिन करिए और बीच में बंद कर दो। आप 5 दिन के प्रयोग से देखेंगे जो आपने याचना की है, जो निवेदन किया है, ध्यान रहे वो गलत ना हो, आपके परिवार के लिए हो, आपके हित के लिए हो, आपकी रक्षा के लिए हो, आपके समाज के लिए हो, निश्चित 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 पूर्ण होगी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मैं बताता हूँ कम से कम एक बार इसको भी प्रयोग करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा क्या सत्य है क्या असत्य। आप सभी लोगों ने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और आपको बता दूँ कि कल हमारा रुद्राभिषेक, जो कि बहुत बड़ा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है, दिन सोमवार और सावन का आखिरी सोमवार भी है, 28 तारीख। तो इंस्टाग्राम पर जो बहुत सारे हमारे दर्शक थे उन्होंने भी अपनी डिटेल्स भेज दी, और जो आज ये वीडियो रात को अपलोड होगी, जो लोग रुद्राभिषेक किसी कारण नहीं करा पाए, पैसे के अभाव से, तंगी के अभाव से, तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, आज आपके पास समय है। आप अपना नाम, माता का नाम गोत, 9118036409 पर टैक्स मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे नहीं, ना इंस्टाग्राम पे, ना कोई और मैसेज पे, सिर्फ टैक्स मैसेज पे जो आएंगे उन्हीं को लिया जाएगा। और ये इंस्टाग्राम पे और हमारे यूट्यूब पर चैनल पर लाइव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय जो दिया है।